शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 17 के पुल के नीचे पहली बार संघर्ष सांझा मुलाजम मंच ने पंजाब सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल शुरू करके पंजाब कर्मचारी इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। इस हड़ताल में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सांझा मुलाजिम मंच का प्रतिनिधित्व कर रहे सुखचैन खैरा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इन्होंने बताया कि इस हड़ताल में लगभग 150 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और आगे खैरा ने कहा कि पंजाब सरकार पिछले 3 वर्षों से कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भी होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हमने एक स्ट्राइक की थी। उस स्ट्राइक के बाद गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग हुई थी, जो हुई थी 10/3/2019 को, मार्च में जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ लेटर्स इशू की थे, जो हमारी डिमांड्स उस समय मान ली गई थी, 7 डिमांड्स मानी गई थी। उसके उपरांत कुछ लेटर्स ऐसे थे उसमें लिखा गया था कि जो 3 डिमांड है उसमें रूल अमेंडमेंट है, रूल अमेंडमेंट कर देंगे और वो लेटर्स जो है वो जो 7th मंथ आएगा उसके लास्ट में जो है इशू कर देंगे। लेकिन उसके बाद अब 1 महीना ऊपर हो गया, एक तो वो हमारी जो मांगे मानी हुई थी वो पूरी नहीं की। उसके बाद हमारा जो डीए है, 3 इंस्टॉलमेंट है, चौथी फिर पेंडिंग होने वाली है, वो अभी तक नहीं दी है। हमारा एरियर जो है 2015 से जो पेंडिंग है अभी तक वो नहीं दिया गया। जो हमारे नए साथी आए 2004 के बाद, उनको पुरानी पेंशन स्कीम देनी थी, अभी तक वो भी नहीं दी गई। कच्चे कर्मचारी है जो पंजाब सरकार के, उनको पक्के करना था, वो भी नहीं किया गया। इसके अलावा 50 साल के बाद जो हमारे कर्मचारी, उनको जो प्रमोशन के लिए टेस्ट होता है उसको ख़त्म करना था, वो भी नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो 6th पे कमीशन है वो देना था, वो नहीं दिया गया। और कुछ कर्मचारी जो है एजुकेशन के थे, उनको जो है ज़बरदस्ती बदल दिया गया था, उनकी जो वो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल करने, वो भी नहीं। सो कहने का भाव है कि गवर्नमेंट जो है 2.5-3 साल हो गए आए को कांग्रेस गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक मुलाजिमों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, जिस कारण जो आज हमने भूख हड़ताल की है। जो आपको अभी बताया वो सारी मांगे ही थी जो, और आज अभी तक भूख हड़ताल चल रही है, जो जिसमें 125 लोग हम बैठे हुए हैं। इसके बाद 1 बजे रैली शुरू होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जहां पे पहुंच रहे, जो 3 बजे तक चलेगी। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आज जो चल रही है ना, जो हंगर स्ट्राइक और जो हमारी रैली चल रही है, जो सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, थ्रू आउट पूरे पंजाब में चल रहे, 22 डिस्ट्रिक्टों में जो है, ऐसे जो आज आप देख रहे हैं ऐसे 22 डिस्ट्रिक्टों में काम चल रहा है। और उसके बाद हम जो है 26 तारीख को हमने एक एक्शन प्लान किया, जिसमें हम जो है एक व्हीकल रैली करने जा रहे हैं, फ्लैग मार्च करेंगे पूरे शहर में, जिसमें कम से कम नहीं तो वो 5-6 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च होगा चंडीगढ़ में, और ऐसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पंजाब में फ्लैग मार्च करेंगे। उस फ्लैग मार्च के जरिए हम जो हमारे मुलाजिम हैं उनको आगे के एक्शन के लिए प्लान करेंगे, और अगर फिर भी नहीं मानते, मैं उसका आगे का प्लान भी बता देता हूँ, तो फिर हम जो है इनडेफिनेट स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।